हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ AIBI के बारे में कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको किस तरह से इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो गए हैं AIBI 17/2023 एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। तो यहाँ पे दिया कि 13 दिसंबर से जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका था एंड यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाइस्ट क्वालिफिकेशन एंड देन आपको गेटवे काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। देन यहाँ पे दिया गया क्लिक हियर टू चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम न्यू टैब में यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गए। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 3 स्टेप्स दिए गए। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे सेट साइन अप दिया गया, आपको साइन करना रहेगा। सेकंड स्टेप में फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको अपना सारा जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसको आपको अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहेगा। फिर आपको थर्ड स्टेप में है अपना एप्लीकेशन फीस उसमें देना रहेगा आपको एंड देन यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे दिया गया सबसे पहले आपको मिस्टर या मिसेस है वो डालना रहेगा एंड आपको अपना नेम डालना रहेगा। देन आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC। देन आपको जेंडर क्या, आप मेल हैं या फीमेल हैं, डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। सेलेक्ट स्टेटस, स्टेटस वाला आपको टाइम पर टाइप करना है। देन यहाँ पे आपको कैंडिडेट टाइप, मतलब फ्रेशर है या फिर रिपीट है, जब भी जो भी आप आपको टाइप कर सेलेक्ट करना रहेगा। आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, देन आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंड देन आपको ईमेल एड्रेस डालना रहेगा। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन अपना फिल करते हैं। देन अब आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको हो गया है, पर रजिस्ट्रेशन हो गया। देन आपको यहाँ पे आपको अपने मदर्स नेम, फिर यहाँ पे फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम उसमें यहाँ पर डालना है एंड देन यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, एड्रेस 1 एड्रेस 2 एंड देन यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपको अपना रेलवे स्टेशन डालना है जो आपके पास में ही हो एंड देन सिटी डालना है, स्टेट सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे पिन कोड डालना है। देन अगर आपका एड्रेस यहाँ पे सेम है तो आप यहाँ पे सेव इस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक करेंगे, और अगर सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे दूसरा इन्फॉर्मेशन डालना रहेगा एड्रेस का। देन यहाँ पे चूज ऑफ क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज, मैंने यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है, आप पंजाबी है, संस्कृत, इंग्लिश है, असमिक है। देन यहाँ पे टेस्ट सेंटर यहाँ पर दिया गया, आपको कहाँ डालना है। फिर यहाँ पे सेकेंड दिया गया एंड यहाँ पे थर्ड है। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना। तो चलिए पहले हम यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। देन आपने कौन कौन से एग्ज़ाम पास किए हैं, आपको डालना है नेम डालना है, इंस्टीट्यूट का नेम डालना है, फिर यूनिवर्सिटी कौन सा था एंड देन सब्जेक्ट कौन सा था, फिर आपको कौन से ईयर में आप पास हुए थे वो सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर इंटरमीडिएट दिया गया, इंस्टीट्यूशन नेम, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बहुत सारे दिए गए, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन फिल करना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे, लास्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको अपने जो डॉक्यूमेंट